जी क्रिएशंस फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नुसरत भरूचे जो हैं वो बॉलीवुड की बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपने बॉलीवुड कैरियर में बहुत सारी मूवीज़ में काम किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपना बॉलीवुड कैरियर 2006 में स्टार्ट किया था और 2023 तक ये काम कर चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी मूवी जो है वो इनकी सुपर हिट गई है और आज तक ये कितनी मूवीज़ कर चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो 2006 में जो इनकी मूवी आई थी वो थी जय संतोषी माँ। उसके बाद 2009 में इनकी आई थी कल किसने देखा। उसके बाद 2011 में इनकी आई थी प्यार का पंचनामा कार्तिक आर्यन के साथ और ये इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फिर 2013 में इनकी आकाशवाणी मूवी आई थी, ये भी कार्तिक आर्यन के साथ आई थी। फिर 2014 में इनकी डर एट द मॉल आई थी जिमी शेरगिल के साथ, ये भी इनकी हिट गई थी। फिर 2015 में इनकी गैंगस्टर्स आई थी। उसके बाद 2015 में ही इनकी प्यार का पंचनामा 2 मूवी आई थी और ये भी इनकी हिट गई थी। फिर 2018 में सोनू की टिट्टू की स्वीटी मूवी इनकी आई थी कार्तिक आर्यन के साथ, ये भी इनकी हिट गई थी। फिर 2019 में इनकी ड्रीम गर्ल मूवी आई थी आयुष्मान खुराना के साथ और ये भी इनकी सुपर हिट गई थी। फिर 2019 में मरजावा मूवी में इन्होंने एक सॉन्ग में आई थी ये। उसके बाद 2020 में इनकी छलांग मूवी आई थी। उसके बाद 2021 में इनकी अजीब दास्तान मूवी आई थी। फिर 2022 में इनकी जनहित में जारी मूवी आई थी और ये भी इनकी सुपरहिट गई थी। फिर 2022 में ही इनकी हरदंग मूवी आई थी और 2022 में ही इनकी राम सेतु मूवी आई थी अक्षय कुमार के साथ। उसके बाद 2023 में इनकी मूवी जो आई थी चतरा पाथी मूवी आई थी और 2023 में ही इनकी अकेली मूवी आई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।